Hello everyone, we are seeing the conversion of the finite automata to the regular expression जिसमें कि epsilon transitions भी हो सकते हैं। स्टेट एलिमिनेशन मेथड है ये, और आर्डेंस थ्योरम ऐसे एनएफए पे अप्लाई नहीं होता जो कि epsilon एनएफए हो, सो इसीलिए हमें इस स्टेट एलिमिनेशन मेथड की जरूरत पड़ी। इसमें रूल नंबर वन ये है कि कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए इनिशियल स्टेट पे, जो कि सही है यहाँ पे। कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए फाइनल स्टेट से, ये भी यहाँ ट्रू है। रूल नंबर थ्री ये कहता है कि केवल एक फाइनल स्टेट होना चाहिए, तो यहाँ पे तीन फाइनल स्टेट है, इसको हम कन्वर्ट करके सिंगल फाइनल स्टेट बना देंगे। लेट्स से हमने एक नया फाइनल स्टेट बना दिया और इस डायरेक्शन से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से यहाँ पहुँच गए, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से इससे हम यहाँ पहुँच गए, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से हम इससे यहाँ पहुँच गए, और जो पहले से फाइनल स्टेट्स थी वो मान लेंगे कि अब वो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। सो इनको हम फाइनल स्टेट की जगह नॉन फाइनल स्टेट्स मान लेंगे। नाउ हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग देखें कि किस तरह से स्टेट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, सो वन बाय वन हमें स्टेट्स को एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो कि पैरेलल हैं उनको साइमल्टेनियस रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस डायरेक्शन को देखें तो इसका मतलब है कि ए से आप फाइनल स्टेट पहुँच सकते हैं, इसका मतलब है आप सी से फाइनल स्टेट पहुँच सकते हैं, यहाँ पे बी डी से फाइनल स्टेट पहुँच सकते हैं। दिस इज नॉट ए, दिस इज बी। सो आप बी से फाइनल स्टेट पहुँच सकते हैं, सी से फाइनल स्टेट पहुँच सकते हैं और डी से फाइनल स्टेट पहुँच सकते हैं, तीनों से पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब और लगा सकते हैं आप इन स्टेट्स को एलिमिनेट कर दीजिए। सो आप कह सकते हैं कि वी हैव ए देन फॉलोड बाय बी प्लस सी प्लस डी और ये मेरा फाइनल स्टेट है। ओके, इसके बाद फिर आप इस स्टेट को एलिमिनेट कीजिए। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्कैटिनेशन कर देंगे इसका और इसका। सो दिस इज ए एंड देन बी प्लस सी प्लस डी। सो इसका आंसर या रेगुलर एक्सप्रेशन का हमारा आंसर हुआ ए फॉलोड बाई बी प्लस सी प्लस डी। सो दिस इज वेरी सिंपल टू डिजाइन। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एंड दिस सेज दैट वी हैव अ स्टेट ए विच इज द इनिशियल स्टेट, एंड देन वी हैव अ स्टेट बी विच इज द इंटरमीडिएट स्टेट, एंड लेट्स से दिस इज अ स्टेट सी विच इज अ फाइनल स्टेट। सो द ट्रांजिशन आर, यहाँ से एक बी ट्रांजिशन है, यहाँ से एक ए ट्रांजिशन है, देन यहाँ पे एक सी स्टार है, मतलब कि एक क्लोजर है, और यहाँ पे ए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकमिंग एज है इनिशियल स्टेट पे, इसलिए हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा रूल नंबर वन के हिसाब से। सो एक नया इनिशियल स्टेट ऐड कर देते हैं और वहाँ से एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन करते हैं ए स्टेट पे, बाकी चीज़ों को ऐसे ही में रखते हैं। सो दिस इज बी एंड दिस इज सी सेल्फ लूप एंड दिस इज ए एंड दिस इज ए। ओके, सो इसको अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले स्टेट ए को एलिमिनेट करता हूँ। अगर आप इसमें ध्यान दें कि जो ए ये वाला जो स्टेट है इसमें हम सिंबल बी से आगे जा सकते हैं, इसके बाद फिर जो सबसे छोटी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होगी वो बी ए एक्सेप्ट होगी, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो बी ए हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, इसके बाद जो स्ट्रिंग आ सकती है वो बी ए बी देन ए आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखें बी एंड देन ए बी ए ये आ सकता है, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट ए को एलिमिनेट करते हैं। और स्टेट ए को एलिमिनेट करने का मतलब है कि एप्सिलॉन और बी से आप स्टेट बी में पहुंच जाएंगे, एप्सिलॉन और बी से आप स्टेट बी में पहुंच जाएंगे। सो एक काम करते हैं कि हम बी से, एप्सिलॉन और बी का मतलब बी ही होगा, स्टेट नंबर बी में पहुंचते हैं। लेकिन स्टेट नंबर ए को एलिमिनेट करने का मतलब ये भी है कि जो एक साइकिल बन रहा था बी से ए लेके सिंबल और ए से बी, सो ये ए बी का साइकिल हमारा बन रहा है, दिस इज ए बी, ए बी का हमारा साइकिल बन रहा है। सो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। सो वी हैव अ साइकिल ऑफ सी ऑलरेडी एट सी एट एट द स्टेट बी एंड वी नाउ हैव द साइकिल ऑफ बी ऑल्सो हियर। इसके बाद हमारे पास ए है जो कि हमें फाइनल स्टेट सी पे पहुंचाता है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि अब हम स्टेट अगर बी को डिलीट करेंगे सो तीन चार चीजों का कॉन्कैटिनेशन है, एक बी है, उसके बाद लास्ट में ए आएगा और बीच में दो साइकिल्स हैं, एक ए बी की साइकिल है और एक सी की साइकिल है, तो हम इनको मान सकते हैं कि ये पैरेलल में साइकिल है। सो ए बी
और प्लस सी इसका हम मान सकते हैं कि क्लोजर है। सो वी हैव इनिशियल स्टेट एंड इससे फाइनल स्टेट का जो ट्रांजिशन है वो इससे है, और रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारा बन जाएगा दैट विल बी बी देन ए बी प्लस सी का क्लोजर फॉलोड बाई ए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन दी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।